दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब सभी को आज ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही यूनिक काम करती है, यूनिक इंडस्ट्रीज से है और इस कंपनी ने बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। अभी चलते हैं इसके, पहले आप चार्ट को देखिए। देखिए, कंपनी जो है ये इलेक्ट्रोड और वेल्डिंग इंडस्ट्री से है और इसका यहाँ चार्ट आप देख रहे हैं, ये 1529 रुपये का अभी इसका करंट भाव है, जो कि करीब करीब 65 गुना यानी कि 6500% का रिटर्न करीब करीब 10 साल में दे चुकी है, 10 साल से ज़्यादा में। इसके 5 साल का रिटर्न भी आप देखेंगे तो बहुत ही एक्सपोनेंशियल है। अभी ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन है गूगल फाइनेंस से लिया है, अभी देखते हैं इसके आगे इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जैसे कि करेंट प्राइस आपने देखा 1529 का था, अगर इसके मार्केट कैप को अगर आप देखें तो ये 2078 करोड़ का मार्केट कैप है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो इसका है वो भी 29.9 का है। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अभी बढ़ा हुआ है स्टॉक, प्राइस इसका थोड़ा ऊपर है। बुक वैल्यू देखिए 243 रुपये का है। अगर यहाँ पर इसके डिविडेंड यील्ड को देखें तो 1.15 जो कि अच्छा कहा जाएगा, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इस कंपनी का जो है 26.9% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी 19.8% का है, जिसको हम अच्छा कह सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। अब इसके फेस वैल्यू को देखिए, फेस वैल्यू 10 है। अब यहाँ से समझते हैं इस कंपनी के पेग रेशियो के बारे में। तो कंपनी का पेग रेशियो भी 1.14% का है, जबकि इसका इक्विटी कैपिटल जो है वो भी 13.6% का है। करेंट रेशियो 2.2 होने के कारण आप कह सकते हैं इस कंपनी का जो करेंट एसेट है उसके करेंट लाइबिलिटी से 2.2 गुना ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका देखिए 6.3 है, तो आप कह सकते हैं इसका जो करेंट प्राइस है उसके बुक वैल्यू से 6 गुना ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कुछ ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे हो गया। और ग्रोथ फैक्टर की अगर बात करें तो ग्रोथ फैक्टर इसका 4 है और जिसके पायोट्रॉस की आठ होने का मतलब बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल की कंपनी है। अपने इक्विटी को ज़्यादा डायल्यूट नहीं करती है, ज़्यादा डेट नहीं लेती और अपने जो भी डेट है उसको बहुत जल्दी रीपे भी कर लेती है। तो फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग है इस कंपनी के। अब इसके देखिए रिटर्न और एसेट की बात करें 7.87% का है, जो डेट टू प्रॉफिट है 0.56। द डेट टू प्रॉफिट 0.56 का होना मतलब कंपनी के पास बहुत ही कम डेट है और उस डेट को बहुत जल्दी चुका भी रही है, रिटर्न कर रही है अपने पूरे कंपनी को। अल्टीमेट जेड स्कोर की अगर बात करें तो ये 10.8 अल्टीमेट जेड स्कोर बहुत ही अच्छा आप कहेंगे माना जाएगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा होना अच्छा कहा जाता है। डिफरेंस इन अब इंट्रेंसिक वैल्यू से भी वो -200 है, इसका मतलब जो इसका करेंट प्राइस है उसके इंट्रेंसिक वैल्यू के लगभग इक्वल है या थोड़ा सा ज़्यादा है। सॉलिड चेक देखिए 1 है और इसका EPS लेटेस्ट क्वार्टर का देखेंगे तो वो 14.4 का रहा है। पूरे साल का EPS जो है 51.4 है। कंपनी का जो सेल्स वेरिएशन 10 साल का वो 7.8% है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट वेरिएशन 12.6% है। अनप्लेस प्रमोटर होल्डिंग 56.9 है, मतलब कंपनी का इसमें इंटैक्ट होल्डिंग है और कंपनी अपने होल्डिंग को कम भी नहीं कर रही है। अगर इसके पूरे जैसे स्टॉक ऐसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन उठाया आपको दिखाता हूँ, 10 क्वार्टर का जो सेल्स ग्रोथ अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी ने किस प्रकार 128 करोड़ जून 2021 में करती थी, अभी 256 करोड़ पे आ गया। तो कंपनी आप कह सकते हो हर क्वार्टर में 15-20% का अच्छा ग्रोथ दिखा रही है पिछले कुछ सालों में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है बहुत ही स्ट्रांग है। इबिटा की बात करें तो देखिए कंपनी का क्वार्टर जो 10 क्वार्टर का इबिटा है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से 11 करोड़ से बढ़ा के कंपनी ने 27 करोड़ पे लेके आ गई और कंपनी का 80% का इबिटा ग्रोथ रहा है इस सितंबर 2023 में। कंपनी के अगर 10 क्वार्टर का इंटरेस्ट को देखें तो आप कंपनी देखेंगे कंपनी जो है वो कितना एबिटा कर रही है, कंपनी कर रही है 27 करोड़ का एबिटा कर रही है और इंटरेस्ट मार्क्स पे कर रही है आप 90 लाख के करीब। तो आप कह सकते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है। तो जितना आप कहेंगे इस कंपनी को, वो डेट बहुत बहुत कम है। ठीक है, अभी यहाँ से चलते हैं। यहाँ 10 क्वार्टर में अगर पैट ग्रोथ की बात करें, कंपनी कितना पैट पे कर रही है, तो कंपनी का पैट भी देखिए 20 करोड़ पे आ चुका है। तो बहुत ही शानदार कंपनी जो है अपना काम करी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 96% का कंपनी ने ग्रोथ दिखाया और कंपनी के जो EPS ग्रोथ है वो भी करीब करीब आप देखेंगे 4-5 रुपए का EPS होता था जून 2021 में, जो कि बढ़ के कंपनी ने सितंबर 2023 तक 14.4 रुपए का EPS कर लिया है। कंपनी के 10 साल के अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखिए 849 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है इस सितंबर 2023 में, जो कि हाईएस्ट एवर है इस कंपनी का। सितंबर 2000 मतलब इस साल का अगर पूरा आप जोड़े सितंबर तक का, तो आप देखेंगे हाईएस्ट एवर कंपनी ने सेल्स ग्रो किया है और जो कि 18% है हर साल दर साल के हिसाब से।
अगर इसके एबिटा की बात करें तो देखिए कंपनी ने 99 करोड़ का एबिटा दिखाया है और इसी एबिटा जो है 51% एक्स्ट्रा है अपने पिछले साल के मुताबिक। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये किस प्रकार से बहुत ही बेनिफिशियल रहा है कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं, देखते हैं कंपनी का एबिटा मार्जिन के बारे में। एबिटा मार्जिन आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो एबिटा है वो 11.6 मार्जिन रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है पूरे कुछ क्वार्टर में। कंपनी इंटरेस्ट भी पे की है और बैंक को करती है। अभी देखिए किस प्रकार कंपनी का पहले 9 करोड़ इंटरेस्ट होता था, वो सीधे कम करके कंपनी ने 9 करोड़ इंटरेस्ट देती थी, अब 3 करोड़ पे आ गई है और जो हर साल दर साल इनका इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। अब यहाँ से समझते हैं इसके पैट के बारे में, पैट ग्रोथ के बारे में देखेंगे तो पैट जो है इसका अपनी बढ़ के कंपनी का जो है 69.73 हो गया है सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग, और पैट ग्रोथ भी देखिए 57% का पैट ग्रोथ कंपनी ने दिखाया और मार्जिन भी 8.2 है। कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो आप कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता चला जा रहा है, पहले कंपनी का ईपीएस होता था करीब आप कहेंगे कि 10-20 रुपये का, अभी बढ़ के 51 रुपये पर हो चुका है और कंपनी का ईपीएस एडजस्टेड परसेंटेज भी 57% का कंपनी ने ग्रोथ दिखाया। और यहाँ से देखिए मार्च 2023 के हिसाब से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 19.59 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 26.66% का है, जो कि बहुत ही शानदार है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी देखिए 12.545 है, जो कि हर साल दर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ से देखते हैं कंपनी के बुक वैल्यू के बारे में। कंपनी का बुक वैल्यू देखिए डाउन हो गया था मार्च 2021 में, कंपनी का बुक वैल्यू 194 से गिर के 175 पे आ गया था, 133 से बढ़ के 194 पे चला गया था आप कह सकते हैं मार्च 2019 तक। अब देखिए 2021 के बाद क्या शानदार एक्सपोनेंशियल कंपनी ने ग्रोथ दिखाया, 175 रुपये का जो बुक वैल्यू होता था वो 238 रुपये पर चला गया है। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो भी 47 दिन हो गया है, वो भी कम हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के 10 साल का अगर आप शेयर होल्डिंग का पैटर्न अगर देखिए, 10 साल का जो शेयर होल्डिंग ने अपना कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो कभी अपने कैपिटल को कभी कम नहीं करी, शेयर होल्डर का जो फंड है वो उसको कभी चेंज नहीं करा, और रिजर्व भी कंपनी का जो बढ़ता चला जा रहा है, देखो 316 रुपये का हो गया है। कंपनी की अगर लायबिलिटी की बात करें तो थोड़ा बहुत करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी है कंपनी के पास 4 करोड़ अराउंड, लेकिन करंट लायबिलिटी कंपनी के पास 140 करोड़ के करीब है, जिसमें कि बोरोइंग बहुत ही कम है, मात्र 30 करोड़ कंपनी को पे करना है, अपने जो भी सप्लायर हैं उनको पैसे पे करने हैं वो भी करीब करीब 78 करोड़ है, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी 22 करोड़ है, प्रोविजन कुछ 8 करोड़ का है। और अगर कंपनी के नॉन करेंट एसेट की बात करें तो 166 करोड़ तो नॉन एसेट है इसके पास, नॉन करेंट एसेट, और करेंट एसेट जो इस कंपनी के पास है वो देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 19 करोड़ कर लिया है, और कंपनी का जो इन्वेंट्री है वो 128 करोड़ जो हाईएस्ट एवर इसका इन्वेंट्री है, और जो सेंड्री डेबिटर है वो भी 134 करोड़ पर है। कंपनी का कैश एंड बैंक जो है वो 3.52 करोड़ का कैश एंड बैंक है। कंपनी के पिछले 10 साल में जो करंट एसेट है वो भी देखिए क्या गजब से इम्प्रूव हुआ है, जैसे हमने पीछे नॉन करंट एसेट देखे, करंट एसेट भी हमने बात कर ही लिया। अब हम समझते हैं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। देखिए प्रमोटर का होल्डिंग 56.9 इंटैक्ट है अपना, बिल्कुल एक रुपया एक पैसा कम नहीं कर रही है प्रमोटर, और साथ ही साथ इसमें FII की होल्डिंग भी पहले थी उन्होंने घटाया है, वहीं पर देखिए DII अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, नॉन इंस्टीट्यूशन भी अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है। देखिए कंपनी का नाम अब हम बात करते हैं, कंपनी का नाम है एडोर वेल्डिंग लिमिटेड। अब ये एडोर वेल्डिंग लिमिटेड जो है इंडिया की बहुत ही काफ़ी कम ऐसे इंडस्ट्रीज हैं इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के, इसमें एडोर वेल्डिंग का एक नाम आता है, जो कि 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग मतलब वेल्डिंग कंपनी है इंडिया की, हाई क्वालिटी इक्विपमेंट वेल्डिंग इक्विपमेंट बनाती है, कंज्यूमर और वेल्डिंग ऑटोमेशन सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है कंपनी। तो आप कह सकते हैं इस कंपनी का जो डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ये फ्लेयर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट डिवीज़न जो है इसका 30 साल से ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है, और ये कंपनी जो है सिग्निफिकेंट आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कंपनी पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा इनका प्रेजेंस है, करीब 40 से ज़्यादा कंट्री जिसमें इस कंपनी का सप्लाई है। अब यहाँ से अगर बात करें कंपनी के कोर वैल्यूज़ के बारे में तो कंपनी का और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसका जैसे हमने देखा, अब यहाँ से समझते हैं इस कंपनी का प्रेजेंस, देखिए आप किस प्रकार इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो पहले अमेरिका में था, फिर अभी अफ्रीका में आया, अब उसी तरह देखिए अफ्रीका बाद नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों में इसका प्रेजेंस है, इंडिया हो गया, फिर से कुछ बांग्लादेश और कुछ यूरोपियन और सऊदी अरेबियन कंट्री में भी इनका प्रेजेंस है। तो आप समझ सकते हैं ये कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट भी बनाती है, जैसे कटिंग मशीन बना रही है, गैस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही है, PPE बना रही है, और वेल्डिंग ऑटोमेशन भी बना रही है। इसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर बात करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत